हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुलक के प्रकार के बारे में पुनः एक बार अध्ययन करेंगे। लेकिन इस बार जो वर्गीकरण का आधार जो हम लोगों को लेना है वह उनकी संरचना को लेना है कि यदि बहुलक को उसकी संरचना के आधार पर अगर हम वर्गीकृत करें तो उसकी संरचना कैसी है। अगर इस आधार पे मैं अगर बहुलक का वर्गीकरण करता हूं तो वो कितने प्रकार का होता है और उसकी संरचना से उसके गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि उन गुणों के कारण कौन कौन से बहुलक हमारे पास उपलब्ध हैं और जिनका विभिन्न उपयोग क्या हम कर पाते हैं या रोजमर्रा के जीवन में हमें वो किस प्रकार सहायक है। आज के क्लास में इस चीजों के हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेटा, यदि हम बहुलक के प्रकार की चर्चा करें यानी संरचना के आधार पर बहुलक का प्रकार, यानी अगर हम संरचना के आधार पर बहुलक के प्रकार का वर्णन करते हैं संरचना के आधार पर, तो हम इसकी तीन कैटेगरी बनाते हैं। एक रैखिक बहुलक, एक बेटा हम लोग बनाएंगे शाखित बहुलक, और एक बनाएंगे बेटा जी हम लोग तिर्यक आबंधित, तिर्यक बंधित बहुलक। इसको एक और नाम दे देते हैं हम लोग नेटवर्क बहुलक, नेटवर्क बहुलक, जालक बहुलक भी आप कहिएगा। यानी हमारे पास तीन ये प्रकार उपलब्ध होते हैं। अब एक एक करके हम तीनों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रैखिक या रैखीय बहुलक भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नाम से ही आपको इसके संबंध में इसकी संरचना के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा हो कि यह बहुलक जो है सीधी श्रृंखला से निर्मित होगा, यानी इसमें जो होगा जो एकलक अणु होंगे वो सीधे क्रम में आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करेंगे। यानी ये देखिए, इसमें क्या है कि जो भी एकलक अगर आप लेंगे वो एकलक एक सीधी क्रम में जुड़ेंगे और जुड़कर वो लंबी श्रृंखला का निर्माण करेंगे। अब देखिए, अगर ये कोई शाखा नहीं है तो ऐसे होगा, और ये जब ऐसे होगा तो एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, इस प्रकार से पैक हो सकता है। अगर ये पैक हो गया एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अगर इस प्रकार से ये पैक्ड होता चला गया तो हमारे पास एक निविड संकुल संरचना प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है आपका रैखीय बहुलक है, ये जो है आपका निविड संकुल संरचना मिलेगा। यानी क्लोज पैक, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब ये जब मिल गया तो अब ये देखिए कि इनके बीच में अगर ये बहुत एक दूसरे के क्लोजली पैक हो गया तो क्लोजली पैक होने की वजह से इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। तो यानी ये जो मिला इसके गुण में देखिए, घनत्व अति उच्च,
इसका घनत्व बढ़ गया। अब जब घनत्व हो गया ज्यादा तो इसका जो तनन सामर्थ्य है यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ वो भी बहुत अधिक हो जाएगा, इसकी प्रबलता बढ़ जाती है, यानी प्रबलता या तनन सामर्थ्य सामर्थ्य ये भी बहुत अधिक होता है। मतलब आप इस पे बहुत अधिक बल बर्दाश्त करने की इसकी क्षमता हो जाती है। आगे अगर देखें इसका गलनांक कुछ होता है, गलनांक उच्च होता है, इसे आप एक और नाम से कह सकते हैं या सीधी श्रृंखला या सीधी श्रृंखला बहुलक भी कहा जाता है। तो देखिए इसके बारे में हमारे पास कितनी चीजें आ रही हैं। बहुलक का वह प्रकार जिसमें एकलक अणु आपस में जुड़कर लंबी रैखिक संरचना का निर्माण करते हैं उसे हम लोग रैखिक बहुलक कहते हैं। रैखिक बहुलक को सीधी श्रृंखला बहुलक भी कहते हैं। ये बहुलक आपस में क्लोजली पैक होकर यानी आपस में बहुत समीप एक दूसरे के समीप पैक होकर यानी संकुलित होकर निविड़ संकुल संरचना को देती है, ठीक है। इसके कारण इसका घनत्व उच्च हो जाता है, घनत्व उच्च होने के कारण इसकी प्रबलता या तनन सामर्थ्य बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है कि नहीं। उसके कारण उसका गलनांक भी उच्च हो जाता है। अब देखिए इसके जो उदाहरण है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, उदाहरण बहुत प्यारे प्यारे हैं। देखिए बेटा जो इनका एक बहुत अच्छा उदाहरण है वो है आपके पास HDP। हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी इसका उदाहरण है आपके पास जितना भी है HDPE हो गया। अब ये देखिए ये HDPE जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि HDPE और LDPE माने उच्च घनत्व, इसको बोलेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी इसका अगर हम नाम हिंदी में लिखेंगे तो उच्च घनत्व पॉलीथीन। अब ये देखिए बेटा जी, तो उच्च घनत्व पॉलीथीन एक निम्न घनत्व पॉलीथीन भी होगा, वो अगले वाले का होगा यानी ब्रांच चेन पॉलीथीन, मतलब ब्रांच जो होगा ना साखित बहुलक का उदाहरण होगा वो हम आगे देखेंगे। तो ये क्या होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये अगर मान लीजिए कि बहुलकन करता है, बहुलकन तो ये आपका CH2 कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो ये ऐसा होता है। तो इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि ये पॉलीथीन हो गया PVC भी इसी का उदाहरण है, उसमें क्या होता है कि CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CL ये अनंत तक जाता है। इसी प्रकार नायलॉन हो गया, नायलॉन चाहे जो भी हो, नायलॉन का आपके पास कई प्रजाति है, आज कुछ का पढ़ेंगे हम लोग संघनन बहुलक में। जैसे नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6-6 होता है, नायलोन 6-10 होता है, नायलोन 6-2-6 होता है। तो ये जितने भी नायलोन हैं सब नायलोन है, नायलोन 6 है, नायलोन ये भी है, ये जितने भी नायलोन हैं ये सारे के सारे आपके रैखिक बहुलक के उदाहरण है, यानी इन्हें पॉलीएमाइड भी कहते हैं क्योंकि एमाइड आबंध होता है,
इसको जब आप पढ़ेंगे ना तो देखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच आबंध होता है और ये बहुत सारा आबंध होता है, इन्हें पॉली एमाइड कहते हैं, पॉली एमाइड। जितने भी नाइलॉन है वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक और चीज देखिए भाई, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर में भी बहुत सारे अपने पास है। पॉलिस्टर में जैसे मान लिया जाए इसमें एस्टर समूह होता है बेटा, ये वाला समूह बहुत सारा होगा पॉलिस्टर। जैसे इसमें आपका टेरिलीन है, टेरिलीन, टेरिलीन हो गया जिसे डेक्रॉन कहते हैं, ग्लिप्टल कहते हैं, डेक्रॉन, ग्लिप्टल, ये सारे सब ये आपके आपके जो है रैखिक बहुलक के उदाहरण है। तो इस प्रकार से, और इनका उपयोग तो आप जानते ही हैं, सारे के सारे रेसे बनाएंगे, रेसे बनाएंगे या पॉलिथीन जो है, ये पॉलिथीन हो गया, ये पॉलिथीन जो है ये, इसका उपयोग हमारे रोजमर्रा के लाइफ में सबसे अधिक है। पीवीसी की पाइप वगैरह बनती है ये हम देख ही रहे हैं, बाकी नायलोन पॉलिस्टर ये सब चीजों का भी बहुत अधिक उपयोग है, ये सारे फाइबर बनाते हैं, रेसे बनाते हैं। तो अभी इसके बाद जो हम लोग दूसरा देखेंगे वो है साखित बहुलक। अब ये देखिए बेटा कि साखित बहुलक क्या होता है। अब इसके नाम में भी इसकी परिभाषा के बारे में बहुत कुछ छुपा है। शाखा माने क्या होता है, ब्रांच। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे लंबा चल रहा है, ये लंबा चल रहा है, यहाँ पे छोटी सी शाखा निकल गई, ऐसे मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे शाखा बनती चली गई। तो शाखा का मतलब होता है कि एक लंबी सी जा रही है, उसमें से जगह जगह से ब्रांच निकल जाना, तो उसे साखित बहुलक कहते हैं। अब साखित बहुलक की अगर हम बात करते हैं, साखित बहुलक मतलब वे बहुलक, जैसे ये मान लीजिए कि यू बहुलक है, इन बहुलकों में बगल बगल से साइड चेन निकले होते हैं। मान लीजिए कि ऐसा है, इनके आसपास ये बगल बगल से साइड चेन निकला होता है, इन्हें जितना भी बोलेंगे हम लोग साखित बहुलक कहेंगे। साखित बहुलक में ये जो ब्रांच निकले होते हैं इनके, ये आपके अपने अपने में होते हैं। अब ये देखिए कि ये जो ब्रांच है इसके होने से क्या हो रहा है कि ये पूरी तरह से एक दूसरे में जुड़ नहीं पा रहे। मेरी बात समझिए कि पहले क्या था कि वो सारे रेसे थे, तो रेसे थे तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 होते चले जा रहे थे। यहां पे क्या है कि बीच बीच में छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई हैं। अब उस शाखाओं की वजह से, अब उन शाखाओं की वजह से जब इनको पैक करेंगे तो ये बहुत क्लोजली पैक, यानी ये संकुलित नहीं हो सकता है, निविड संकुल नहीं क्रिएट कर सकता है, नहीं बना सकता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पहली बात इसमें देखें, इन बहुलकों में रेखीय श्रृंखला में छोटी छोटी पार्ट्स श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इसका घनत्व तो बढ़ जाता है, तो सॉरी इसका घनत्व तो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें घनत्व तो ज्यादा था, क्योंकि क्या था कि कम जगह में ज्यादा चीजें आ जाती थी, इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके घनत्व तो में
कमी आती। अब इसका घनत्व कम हो गया, अब घनत्व के कम होने से क्या होगा कि इसकी जो प्रबलता है, तनन सामर्थ्य, कम होता है और तनन सामर्थ्य कम होने से क्या होता है कि इसमें इसका गलनांक भी कम हो जाता है। इसमें आपके जो है जैसे आपका इसका उदाहरण अगर देखेंगे आप तो पहले तो निम्न घनत्व पॉलिथीन, निम्न घनत्व पॉलिथीन, दूसरा जो है आपका ग्लाइकोजन, ग्लाइको, और तीसरा अगर आप देखें तो एमीलोपेक्टिन यानी स्टार्च में ये पाए जाते हैं, एमीलो पेक्टिन या स्टार्च, जो कि स्टार्च का एक घटक है। एमीलोपेक्टिन कहां होता है, स्टार्च में होता है, ऐसे आप समझिए। आप लोग को अगर स्टार्च एमीलोपेक्टिन कहा होगा तो देखिए आप लोगों को मैंने बताया था ऐसी संरचनाएं बताई गई थी जिसमें ऐसे ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, फिर ये आगे ऐसे ऐसे हम लोगों ने बढ़ाया था जिसमें बगल से ऐसे ऐसे ब्रांच निकल रहे थे। हमने बताया था कि ग्लाइकोजन में जो था 20 से 25 ग्लूकोज का जो ब्रांच होता था, और इसमें जो होता था एमीलोपेक्टिन में 12 से 15 का होता था, छोटा छोटा होता था लेकिन ज्यादा होता था, और इसमें क्या होता था ग्लाइकोजन में बड़े होते थे लेकिन कम होते थे। तो ये सारी चीजें हम लोग जैव अणु में भी पढ़े हैं। तो ये हो गया साखित बहुलक। साखित बहुलक लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी जो कम घनत्व पॉलीथीन होता है उसका प्रयोग आप लोग देखते हैं कि लिंटर करने के समय जो आता है मोटा जो काला प्लास्टिक आता है वो, या स्क्वीजिंग बोतल वगैरह में इस्तेमाल होता है, जो चटनी रखने के जो बोतल होते हैं जैसे दबाने से जो स्क्वीज करते हैं उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बात होती है। अगर मैं तीसरी बात करता हूं यानी यदि हम नेटवर्क या तिर्यक बंधित बहुलक की बात करें, नेटवर्क या तिर्यक बंधित बहुलक की बात करें, नेटवर्क या तिर्यक बंधित बहुलक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि तिर्यक बंधित बहुलक या नेटवर्क बहुलक, अब इसमें क्या है कि ये जो बहुलक होते हैं इस बहुलकों में आपस में तिर्यक बंध होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से ये जुड़ गया, यहां से ये जुड़ गया, यहां से ये जुड़ गया, तो यहां से क्या होता है कि इतना ज्यादा इनमें ब्रांच चेन आ जाता है और वो भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ कि इनमें थ्री डायमेंशनल संरचना आ जाती है, माने त्रिविमीय संरचना हो जाती है, चारों तरफ से ये जुड़ते चले जाते हैं। अब जब चारों तरफ से ये जुड़ते चले जाएंगे तो फिर ये 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, 3D संरचना बनाते हैं। प्लस अब 3D बन गया है, चारों तरफ से उसमें आबंध क्रिएट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाते हैं। इसके गुण अगर देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये कठोर होते हैं। अब देखो बेटा कठोर हो गया, दृढ़ होते हैं,
कठोर होंगे, दृढ़ होंगे। अच्छा एक और बात, इन्हें जब अब चूंकि चारों तरफ से बॉन्ड बना हुआ है, दृढ़ता है, तो अगर आप मारेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो ये भंगुरता का गुण देते हैं, यानी ये भंगुर होते हैं। ये इनकी स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में अगर हम इनको देखते हैं, जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है अपने पास, जैसे बैकेलाइट, बैकेलाइट जो बहुलक होता है, ये जो आपका क्रॉकरी सेट नहीं आता है, प्लेट वगैरह जिनके बनते हैं, वो सारे बैकेलाइट, ये स्विच वगैरह जो होते हैं, मेलामाइन, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, ये सारे के सारे, मतलब ये तिर्यक आबंधित, इन्हें हम नेटवर्क बहुलक भी कह रहे हैं। और ये जो है आपके, ये कठोर है, दृढ़ है, भंगुर है, और इनका हम लोग कई प्रकार से अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हो गया, ये तीनों ही कैटेगरी जो हमने बनाया, ये किस आधार पर बनाया, उनकी संरचना के आधार पे। अगर लंबी श्रृंखला का एक लक बन रहा है तो उसे हम रेखीय बोलेंगे। उस लंबी श्रृंखला में अगर दोनों साइड से छोटे छोटे शाखाएं निकल रही हैं तो उसे हम शाखित बोलेंगे। अगर ये शाखाएं निकलकर दूसरे जो चेन जा रहे हैं उनसे जुड़ जा रही है, और ये त्रिविमीय रूप से, मतलब सभी दिशाओं में एक समान हो, और ऐसा हो कि वो कठोर हो जाए, रिजिड हो जाए, और वो मतलब उनमें दृढ़ता का गुण आ जाए, तब हम उन्हें क्या कहेंगे, क्रॉस लिंक या नेटवर्क बहुलक। तो ये तीन प्रकार का बहुलक है, तीनों का उदाहरण बताया मैंने। वो जितने भी रेशे वाले थे वो सारे रेखीय थे। जो निम्न घनत्व पॉलीथीन था, उसके अलावा जो मैंने आपको बताया ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, जिनकी परत आसानी से बनती है, वो सारे आपके ब्रांच थे। और ये जो लास्ट में हमने बताया जिनसे स्विच बनता है, इनके बारे में आगे जो प्रिपरेशन वगैरह भी पढ़ेंगे हम लोग, अभी सिर्फ इनके प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो स्विच बन रहा है, क्रॉकरी सेट बन रहा है, जो हार्ड प्लास्टिक जिसको आप कह सकते हैं, कठोर बहुलक, दृढ़ बहुलक, इनमें जो कैटेगरी आ रही है वो आपका क्रॉसलिंक या नेटवर्क बहुलक का होता है। तो बेटा ये संरचना के आधार पर तीन ही होते हैं, इनको बार बार रिवाइज करिए, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन के। थैंक यू।